और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने आज सुबह सीएम हाउस में कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों की फसलों को लेकर सीएम ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी संभागों के कमिश्नर, आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, तो वहीं डीजीपी सहित अपर मुख्य सचिव, विभागों के प्रमुख सचिव सीएम के साथ मौजूद रहे। बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें, चुस्ती फुर्ती और सावधानी में कोई कमी न आए। आज मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी चुस्ती फुर्ती और सावधानी में कोई कमी ना आने दें। और मुख्यमंत्री के नाते मेरी भी ड्यूटी है कि मैं ऐसी चीजों को बिगाड़ने ना दूं, क्योंकि चुनाव के बाद नई घोषणा और बाकी सब चीजों की हो सकता है। लाइन ऑर्डर बना रहे, ऑनगोइंग स्कीम चलती रहे, और इसलिए मैं आचार संहिता में भी बुला लूंगा, मुझे कोई उसका दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटी। इसके साथ ही सीएम ने फसलों के नुकसान को लेकर भी अधिकारियों को खास निर्देश दिए और फसलों के नुकसान की समीक्षा करने को कहा। वहीं सीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जिनकी फसल खराब हुई है, चिंता ना करें, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर, संबंधित साथी इस पर ध्यान देंगे कि फसलों की स्थिति के बारे में लगातार नजर रखें, और जहां भी अल्प वर्षा के कारण, वर्षा में गैप के कारण हमको लगता है कि फसल खराब हुई है, हम सर्वे करेंगे और किसानों को राहत भी देंगे और फसल बीमा योजना का पैसा भी देंगे। इस बैठक में सीएम ने बिजली आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और समस्याओं के समाधान जल्द करने के आदेश दिए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।